साइरा मैम, साइरा, यस। चलो, आपको सबको पता है ना कि आज क्या है आपका स्पीकिंग, है ना? स्पीकिंग टेस्ट। स्पीकिंग टेस्ट। स्पीकिंग टेस्ट में मैंने आपको दो कविताएं, है ना, टेसु राजा बीच बाजार और बाघ का बच्चा, ये दोनों याद करके रखने को बोला था, है ना? मैं जो कविता बोलूंगी आपको वो मुझे सुनानी है, ठीक है? सब रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो मुझे थंब दिखा दो। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो शुरू करें बच्चों। चलिए, सबसे पहला नाम है, अभी आदित्य नहीं है, आदित्य आ गया क्या? आदित्य साहू नहीं, नो मैम। अनन्या साहू नहीं। चलो आरव, आरव बेटा, यस। टेसु राजा बोल बेटा, यस मैम। बाजार है अनार, इस अनार में कितने दाने, कितने हो कमर में खाने, कितने हैं कमर में खाने, बेल बेल पल लगी पत्नी, जुड़ में कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी, एक पेड़ पर पत्ते जितनी, कितने गोपी के घर लगते, गोपी के घर लगते, कितने कलकत्ते में कुत्ते, 20,30,000 दाने वाला एक अनार, टेसु राजा को ये पुकार, लाओ मुझको देखो तार। शाबाश साइरन मैम। हाँ चलो अनन्या, अनन्या बेटा, हाँ बाघ का बच्चा सुनाओ। किसी जंगल में देख के नहीं सुनाना है अनन्या, बिना देखे सुनाना है बेटा, देख के नहीं सुनाना, ये परीक्षा है, है ना? किताब साइड में रख दो। चलो सुनाओ। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा है। बाघ का बच्चा, कविता, कविता सुनानी है बेटा, कविता। बाघ का बच्चा सुनानी है। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। सुनाओ सुनाओ, याद है ठीक है? आपने याद की है? Yes, ma'am. सुनाओ बेटा। रास्ता कच्चा हो या पक्का हो, चलता उस पर बाघ का बच्चा, कभी कभी उछलता कभी कूदता, घुर्राता है बाघ का बच्चा, बाल पूछ और मूछ के लहराता है बाघ का बच्चा, पंजे अपने कहीं अड़ाता, अनन्या अनन्या बेटा, मैंने दो दो बार मैसेज डाले थे, प्लस मैंने आज से 15 दिन पहले भी मैसेज डाला था, पूरा सिलेबस डाला था। बेटा आप क्या कर रहे थे, आपने मैसेज नहीं पढ़ा था क्या कि आज परीक्षा है आपकी? बोलो जरा, इतने दिन देने के बाद भी आपने एक कविता याद नहीं की? अच्छा टेसु राजा याद है क्या? यस मैम। चलो टेसु राजा सुना दो। सुना ना टेसु, सुना
टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहा है ना, इस अनार में कितने दाने कितने हैं, कम्बल में खाने कितने हैं, कम्बल में खाने भेड़ बुला के लगी बताने, एक झुंड में भेड़ है कितनी, एक पेड़ पर पत्ती कितनी, एक पेड़ पर पत्ती कितनी, जितनी गोपी के घर लगती, गोपी के घर लगती कितनी, कलकत्ते में कुत्ते जितने, 20,23,000 दाने वाला एक अनार, टेसू राजा का ये पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। ओके ठीक है अनन्या, गुड। चलिए अनन्या के बाद आश्रय, आश्रय मैम मैं आ गया। तुम आ गए आदित्य, रुक जाओ, आज लेट क्यों हो गए आदित्य? मैम लेट इसलिए सुना। हाँ आदित्य 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है? ओके मैम। आश्रय, आश्रय बाघ का बच्चा सुनाओ बेटा। उसका पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा, कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा, बाल और मूंछ के लहराता है बाघ का बच्चा, पंजे अपने वही अड़ाता, सस्त रहता है बाघ का बच्चा, वहां जा चलती यहाँ चल पड़ता, पड़ता बक बच्चा, मानी भी उछल, माँ चल जब चलती वह चल पड़ता, कभी कहीं वह गिरता पड़ता, कभी कहीं वो गिरता पड़ता, पानी में भी उछल तैरकर वो आता है बक, चलता जाता बक बच्चा, बड़ा बहादुर बक बच्चा, ना घबराता बक बच्चा, दूर दूर तक घूम घूम कर वो आता है बक बच्चा, पीठ पीठ पर बूढ़ी काली, धारी धारी बड़ी निराली, चलता आता घुर आता है बक का बच्चा। वेरी गुड आश्रय, शाबाश। ओके नाउ द ओके नाउ आदित्य, आदित्य यस मैम, बाघ का बच्चा सुनाओ बेटा। पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा, कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा, पीट पीट नहीं, रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा, कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा, बाल पूछ के और मूछ के लहराता है बाघ का बच्चा, अपने पंजे अपने कहीं अड़ाता, सुस्ताता है बाघ का बच्चा, माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी कहीं वह चलता पड़ता, पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा, बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा, दूर दूम दूम कर दूर दूर तक हो आता है बाघ का बच्चा, पीठ पीठ पर भूरी काली, धारी धारी बड़ी निराली, चलता आता घुर्राता है बाघ का बच्चा। ओके शाबाश आदित्य, वेरी गुड। दक्षराज, दक्षराज हाँ अब तुम बता दो कौन से सुनाओगे? मैम दोनों याद है। अच्छे से याद है दोनों? मैम मेरे को भी दोनों याद है। दक्षराज मैम चलो केसु राजा सुना दो। केसु राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार, एक अनार में कितने दाने जितने हो, कम्बल में खाने कम एक कम्बल कितने कितने हैं, कम्बल में खाने भेड़ वाला को लगी बताने, एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी, एक पेड़ पर पत्ते कितने जितने हो, गोपी के घर लते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने, 20,23,000 दाने वाला एक अनार, टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। शाबाश दक्षराज, शाबाश बेटा, वेरी गुड वेरी गुड दक्षराज, शाबाश। यस मैम। दिव्यांशी, थैंक यू मैम। ओके बेटा दिव्यांशी मीना, हाँ दिव्यांशी बाप का बच्चा सुना दो बेटा, बाप का बच्चा।
पक्का हो या कच्चा उस पर चलता बाघ का बच्चा, कभी उछलता कभी कूदता धूम मचाता बाघ का बच्चा। बाघ का बच्चा चाहता है, बाघ का बच्चा माँ जब चलती है वह चल बढ़ता कई वर। अरे दिव्यांशी, दिव्यांशी दो पैराग्राफ छोड़ दिए। अच्छा टेसु राजा याद है क्या? है। चलो टेसु राजा सुना दो। राजा बीच बाजार खड़े हुए ले अनार, इस अनार में कितने दाने कितने हैं, कमल में कितने काने, भेड़ भला क्यों लगी बताने, एक झुंड में भेड़े जितने, एक झुंड में भेड़े कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने कितने हैं, कलकत्ते में कुत्ते 20,23,000, एक पेड़ पर पत्ते कितने जितने, गोपी के घर लगते गोपी के घर कितने लगते, कलकत्ते में कुत्ते जितने 20,23,000, दाने वाला एक अनाज लाओ मुझको दे दो चार। ठीक है ओके। नाउ गतिक, गतिक आया क्या क्लास में? गतिक लेट लतीफ है। चलिए जय माहेश्वरी, जय माहेश्वरी। मैम हाँ, कौन सी अच्छे से याद है वो सुना दो। मैम मैं तो आपको बाघ का बच्चा सुना देता हूँ। रास्ता मैं क्या कर रही हूँ? हाँ, रास्ता पक्का हो या कच्चा उस पर चलता बाघ का बच्चा, कभी उछलता कभी कूदता धूम मचाता बाघ का बच्चा, बाल पूछ के और पूछ के लहराता है बाघ का बच्चा, बाल लहराता है बाघ का बच्चा, पंजे अपने कहीं अड़ाता उछलता है बाघ का बच्चा, माँ जब चलती वो चल पड़ता, कहीं कभी वो गिर पड़ता, पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा, बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, ना घबराता बाघ का बच्चा, घूर घूर तक दूर दूर तक हो आता है बाघ का बच्चा, नारी पेट पीठ पर भूरी कारी धारी धारी बड़ी निराली, बाघ चलता आता बाघ का बच्चा, गुर्राता है बाघ का बच्चा। मैम शाबाश है, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड बेटा, वेरी गुड जय, वेरी गुड। कनिष्का, कनिष्का यादव, कनिष्का यादव, कनिष्का यादव अभी नहीं आई है। चलो कर्णिका। यस कर्णिका चौहान, हाँ आपको जो अच्छे से याद हो वो सुना दो। मैम मुझे तो दोनों ही याद है। तो फिर आपको जो पसंद हो वो सुना दो। मैम हमें तो वो बाघ का बच्चा सुनाओ। रास्ता पक्का हो या कच्चा चलता उस पर बाघ का बच्चा, कभी उछलता कभी कूदता धूम मचाता बाघ का बच्चा, बाल पूछ के और मूछ के लहराता है बाघ का बच्चा, पंजे अपने कहीं अड़ाता सुस्ताता है बाघ का बच्चा, माँ जब चलती पह चल पड़ता, कहीं कहीं पर गिरता पड़ता, पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा, बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा, घूम
दूर दूर तक घूम घूम हो आता है बाघ का बच्चा। पीठ पीठ पर भूरी काली धारी धारी बड़े न्यारी, चलता चलता आता चलता आता गुर्राता है बाघ का बच्चा। शाबाश करने का, वेरी गुड, थैंक यू मैम। नाउ कियांशी। यस हाँ, कौन सी सुनाओगे बेटा? मैं पिसू राजा बीच बाजार। ठीक है सुनाइए। पिसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार, इस अनार में कितने दाने, जितने हूँ कंबल में काने, कंबल में है कितने खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने, एक झुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी, एक पेड़ पर कितने पत्ते, गोपी के घर जितने लगते, गोपी के घर कितने लगते, कलकत्ते में कुत्ते जितने, 20 लाख 23,000 दाने वाला एक अनार, टिस्सू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। शाबाश कियांशी, वेरी गुड बेटा। यस कृतिका। यस मैम। कौन सी सुनाओगी बेटा? मैम बाघ का बच्चा। सुनाओ। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा, कभी चलता कभी घूमता धूम मचाता बाघ का बच्चा, बाहर पूछ के और मूछ के रहता है बाघ का बच्चा, पंजी अपने कहीं अड़ाता सुताता है बाघ का बच्चा, माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी कहीं गिरता वह गिरता पड़ता, पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा, बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा, घूम घूम कर दूर दूर तक हो आता है बाघ का बच्चा, पेट पीट पर भूरी काली धारी धारी बड़ी निराली, चलता आता घबराता है बाघ का बच्चा। शाबाश कृतिका, वेरी गुड वेरी गुड। यस ओजस। यस मैम। कौन सी अच्छे से याद है सुनाओ? टेसू राजा मैम। टेसू राजा बीच बाजार करे हुए ले रहे अनार, इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने, कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ बड़ा क्यों लगी बताने, एक झुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पट्टी जितनी, एक कितने गोपी के घर लट्टे, गोपी के घर लट्टे कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने, 20,23,000 दाने वाला एक अनार, टेसू राजा करे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। शाबाश ओजस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यस नाउ प्रद्योत। प्रद्योत। इसमें हाँ सुनाओ, कौन सी सुना रहे हो? मैं मुझे दोनों याद है। तुम्हें कौन सी अच्छी लगती है वो सुना दो। मैं टेसू राजा। सुनाओ। टेसू राजा बीज बजा खड़े हुए ले रहे अनार, इस अनार में कितने दाने, टेसू राजा बीज बजा खड़े हुए ले रहे अनार, इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने, कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ बड़ा क्यों लगी बताने, एक झुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पत्ते जितनी, एक पेड़ पर पत्ते, गोपी के घर लते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने, 20,23,000 दाने वाला एक अनार, टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। शाबाश प्रद्योत, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। यस प्रनिल। प्रनिल कौन सी अच्छे से याद है? कौन सी याद है अच्छे से? बाघ का बच्चा। सुना। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता पर बाघ बच्चा, कभी उछलता कभी कूदता धूम मचाता बाघ का बच्चा, बाघ पूछ के और मूछ के लहराता है बाघ का बच्चा, करता है बाघ का बच्चा, माँ जब चलती कभी कहीं वह गिरता पड़ता, पानी में भी उछल तैर चलता आता बाघ का बच्चा, बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा, घूम घूम कर दूर दूर तक हो आता है बाघ।
का बच्चा एक पीठ पर बुरी काली धारी धारी भरी निराली, चलता आता गुर्राता है बाघ का बच्चा। शाबाश प्रणल, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नाउ पूर्वांश। पूर्वांश माइक खोलो। हाँ, कौन सी याद है अच्छे से? मैम दोनों। तो तुम्हारे पसंद की सुना दो दोनों में से। देसु राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार, इस अनार में कितने दाने जितने हो कंबल में है कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने, एक भेड़ एक एक झुंड में कितने भेड़े, एक पेड़ पर पत्ती जितने, एक पेड़ पर कितनी पत्ती जितने, गोपी के घर लगते गोपी के घर कितने लगते, कलकत्ते में कुत्ते उसने 20 लाख 23,000 दाने वाला एक अना, टेसु राजा का ये पुकार लाओ मुझको दे दो चार। शाबाश पूर्वांश। यस राम, राम आप हैं क्या क्लास में? रितेश, रितेश, रितेश यादव। यस मैम। हाँ बेटा, कौन सी याद है? बाघ का बच्चा। सुना। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा, कभी उछलता कभी कूदता धूम मचाता बाघ का बच्चा, बाल पूंछ के और मूंछ के लहराता है बाघ का बच्चा, पंजे अपने कहीं अड़ाता सुस्ताता है बाघ का बच्चा, माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी कहीं वह गिर पड़ता, पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा, बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा, घूम घूम कर दूर दूर तक हो आता है बाघ का बच्चा, पेट पीठ पर भूरी काली धारी धारी बड़ी निराली, चलता आता गुर्राता है बाघ का बच्चा। शाबाश रितेश, वेरी गुड। यस समर्थ। यस मैम। कौन सी अच्छे से याद है बेटा? टेसु राजा। सुना। टेसु राजा बीच बाजार खड़े हो ले रहे अनार, इस अनार में कितने दाने जितने हो कंबल में खाने, कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने, एक झुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितने, एक पेड़ पर कितने पत्ते जितने, गोपी के घर लगते गोपी के घर लगते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने, 20 लाख 23,000 दाने वाला एक अनार, टेसु राजा कहे पुकार लाओ मुझको दे दो चार। शाबाश समर्थ, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। यस सूर्य प्रताप, सूर्य प्रताप। ओके नाउ यशी, यशी जैन माइक खोलो बेटा अपना। यस मैम। हाँ आपको कौन सी अच्छे से याद है? टेसु राजा। सुना। टेसु राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे, इस अनार में कितने दाने जितने हो कंबल में खाने, कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बता, एक झुंड में कितनी भेड़े, एक झुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पत्ती एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लगते कितने गोपी के लगते, गोपी के घर लगते कितने, कल सकते हैं कुत्ते 23,000 दाने वाला एक अना, टेसु राजा कहे पुकार लाओ मुझको दे दो चार। शाबाश शशि, वेरी गुड, वेरी गुड। योगांशी। यस मैम। हाँ कौन सी अच्छे से याद है बेटा? टेसु राजा। सुना।
टेसु राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे हैं ना, इस अनार में कितने दाने, जितने हूँ कंबल में खाने, कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ बोला क्यों लगी पता, एक जून में बेरे कितने, एक पेड़ पर पत्ते जितने, एक पेड़ पर पत्ते कितने, जितने गोपी के गलत, गोपी के गलते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने, 20,30,000 आने वाला एक अनार, टेसु राजा कहे पुकार ला मुझको दे दो चार। शाबाश योगांशी, यस। नाउ गतिक, गतिक। यस मैम। कौन सी अच्छे से याद है बेटा? टेसु राजा। सुना। टेसु राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार, इस अनार में कितने दाने, जितने हैं कंबल में खाने, कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भरा, भेड़ भला क्यों लगी बताने, एक झुंड में कितनी भेड़, जितने जितने एक पेड़ पर पत्ती जितनी, एक पेड़ पर पत्ती कितनी, गोपी के घर लते जितनी, 20,00,000 ते वो। मैम हाँ फिर से सुना दूं? हाँ। टेसु राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार, इस अनार में कितने दाने, जितने हैं कमल में खाने, कितने हैं कमल में खाने, भेड़ बता क्यों लगी अताने, एक दिन में कितनी भेड़े, जितने पेड़ जितने हो पेड़ में पत्ते, हाँ कितने पेड़ में पत्ती, गोपी के घर लगते जितने, गोपी के घर लगते जितने, गोपी के घर लगते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने, 20,23,000 दाने वाला एक अनार, टेसु राजा कहे पुकार लाओ मुझको दे दो चार। शाबाश। यस करिश्का, कनिष्का। yes, ma'am. कौन सी अच्छे से याद है बेटा? टेसु राजा बीच बाजार। सुनाओ। टेसु राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार, इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने, कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने, एक झुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी, एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लते, गोपी के घर लते जितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने, 30,22,000 दाने वाला एक अनार, टेसु राजा कह पुकार लाओ मुझको दे दो चार। शाबाश कनिष्का, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, राम ने नहीं दिया है और सूर्य प्रताप एब्सेंट है, राम शर्मा और सूर्य प्रताप एब्सेंट है, बाकी सबने दे दिया है, ठीक है। अच्छा चलिए, तो आपका आज स्पीकिंग टेस्ट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो सब, अब मंडे को सोमवार को मैं आपका रीडिंग टेस्ट लूंगी। कौन सा टेस्ट लूंगी? रीडिंग, रीडिंग है ना। और रीडिंग टेस्ट में मैंने दो पार्ट किए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, रीडिंग टेस्ट में दो पार्ट किए हैं। योगांशी मेरी बात सुनो, रीडिंग टेस्ट में दो पार्ट किए हैं, पहला पार्ट जो है वो आपकी बुक में से पढ़वाऊंगी मैं, ठीक है। आपकी बुक जो है ना रिमझिम, उसमें से नटखट चूहा और नटखट चूहा और याद है किसी को? के नीचे बाघ, के नीचे बाघ, बस के नीचे, करेक्ट, बस के नीचे बाघ, बस के नीचे बाघ और नटखट चूहा, इन दोनों लेसन के। हाँ बोलो। आप कोई सी भी सुन सकती हैं?
नहीं सुनूंगी नहीं बेटा, मैं पढ़वाऊंगी आपसे, है ना? हाँ, कोई सा भी, दोनों लेसन में से आपको दोनों की प्रैक्टिस करके रखनी है, दोनों ही लेसन को खूब अच्छे से रीड करके रखना है। अनन्या सुन रही हो तुम? अनन्या yes, अनन्या तुम मेरी बात सुन रही हो क्या? yes, ma'am. हाँ, मैं मंडे को आपका रीडिंग स्टेट स्टार्ट करूंगी, और जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में सबका हो जाए, है ना? रीडिंग टेस्ट को टाइम लग सकता है। तो दो लेसन रहेंगे, नटखट चूहा और बाघ के नीचे बस के नीचे बाघ, ठीक है? तो इसमें से कुछ भी आपको पढ़ने को आएगा, तो ये तो आपके बुक के लेसन है। अब जो दूसरा पार्ट है वो ध्यान से सुनो। प्रद्योत बॉटल से मत खेलो, एक तरफ रख दो बॉटल, मेरी बात ध्यान से सुनो। सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर मैं रीडिंग का सेकंड पार्ट बता रही हूँ आपको। रीडिंग का सेकंड पार्ट में मैंने क्या किया है, एक स्टोरी ली है, उस स्टोरी की मैंने स्लाइड्स बना ली है, वो स्लाइड मैं आपको शेयर करूंगी, हमारे मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर मैं शेयर करूंगी, और आपको वो मुझे पढ़ के दिखाना है। ये होगा सरप्राइज टेस्ट, है ना? वो जो रीडिंग करनी है आपको, सरप्राइज है, वो आपको पता नहीं है क्या है, है ना? वो कहानी कौन सी है वो आपको पता नहीं है, पर मुझे यही तो देखना है कि आप अपनी रिपोर्ट की किताब के बाहर का पढ़ सकते हो कि नहीं, मुझे यही टेस्ट करना है, ठीक है? तो वो मैं पहले से किसी को नहीं बताऊंगी। क्या कोई सी रीम भी पढ़वा सकती हो अलग से? हाँ, तो अब आपको समझ में आया, रीडिंग के दो पार्ट हैं, ठीक है? पहला पार्ट आपकी बुक रिमझिम में से होगा, और दूसरा पार्ट बाहर की कोई कहानी रहेगी जो मैं आपको शेयर करूंगी, और आपको स्क्रीन पर देखकर मुझे पढ़कर सुनाना है। सबको मेरी बात समझ में आई? Yes, मेरी ma'am. बात समझ में आई? यस मैम। यस मैम। ठीक है, हाँ, तो मंडे को रेडी रहना सब लोग, अच्छे से रीडिंग करके रखना जो किताब का पार्ट है उसका, ठीक है? नटखट चूहा और बस के नीचे बाघ, दोनों ही लेसन अच्छे से पढ़ के रखना, ठीक है? और कनिष्का, गतिक, आप लेट हुए आज बेटा, आदित्य आप भी, क्लास शुरू हो चुकी थी, तीन बच्चों का हो चुका था, तो बेटा टाइम से जुड़ने की कोशिश किया करो, ठीक है? मैं भी 5 मिनट पहले जुड़ जाती हूँ, कई सारे बच्चे 5 मिनट पहले जुड़ते हैं, तो थोड़ा आप 5 मिनट नहीं तो कम से कम 1-2 मिनट पहले तो जुड़ जाया करो। सूर्य प्रताप आ गए तुम? सूर्य प्रताप, हाँ सूर्य प्रताप, बात करो बेटा, माइक खोलो। यस मैम। हाँ, तुमने कविता याद की है मैम? कौन सी? कौन सी की है? मैंने 2 कविताएं दी थी याद करने को, मैंने 2 कविताएं याद करने को दी थी, टेसु राजा बीच बाजार और बाघ का बच्चा, तुमने याद की क्या? सूर्य प्रताप तुम्हें मेरी आवाज आ रही है बेटा? सूर्य प्रताप का शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है ना? सूर्य प्रताप, सूर्य प्रताप आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? ओके, चलिए देखते हैं, नहीं तो बाद में सुनेंगे। तो आप बाकी बच्चों को मेरी बात समझ में आई क्या? सूर्य प्रताप आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, तो बेटा उसी, अनन्या
अनन्या माइक खोलो, जरा देखो कैमरा खोलो, माइक खोलो अनन्या। यस मैम। हाँ बेटा, मैं फिर आपको बता रही हूँ, मंडे को रीडिंग टेस्ट होगा जिसके दो भाग हैं, एक भाग किताब में से होगा और एक भाग किताब के बाहर में से होगा। तो किताब में से जो रीडिंग कराऊंगी मैं, नटखट चूहा और बस के नीचे बाघ, ये दोनों लेसन में से किसी की भी रीडिंग कराऊंगी मैं। और पुस्तक के बाहर जो होगा वो मैं कहानी दूंगी, शेयर करूंगी, वो आपको पढ़ के दिखाना पड़ेगा। आई बात समझ में आपको? यस मैम। कब होगा? कब होगा? मंडे को। ठीक है ना, मैं बार बार बता रही हूँ। और एक बात और बता रही हूँ मैं आपको, आज आज आपके क्लास की पेरेंट टीचर मीटिंग है, ठीक है? तो मम्मी पापा जो भी हो घर में, मम्मी तो उनसे बोलना कि अटेंड कर लें। कितने बजे? 2 बजे से। आपको इनविटेशन भेज दिया गया है, चेक कर लेना मम्मी से। 2 बजे से ठीक है, 2 बजे से आज पीटीआई है, मीटिंग है मम्मी के साथ, ठीक है, पापा मम्मी के साथ। ओके, 2 बजे है। 2 बजे, 2 o'clock, 2 o'clock मीटिंग है आज, ठीक है? ओके। हाँ, वो सूर्य प्रताप जुड़ा क्या? प्रनिल, ये क्या हो रहा है? प्रनिल, प्रनिल माइक खोलो अपना। प्रनिल, तुम ये क्या टाइप कर करके भेज रहे हो? तुम सीधे नहीं बैठ सकते क्या? या तो कैमरा हिला करते हो या कुछ ना कुछ टाइप करके बैठे, तुम्हारा मन नहीं लगता क्या क्लास में? क्या कर रहे हो तुम? ये क्या अंट शंट तुम टाइप करके भेज रहे हो? गलत बात है ये। सीधे बैठो बिल्कुल, और माइक खोल के बैठो, माइक ऑफ करके मत बैठो। हाँ, मैंने जो बातें बताई रीडिंग टेस्ट के बारे में, तुमको समझ में आई प्रनिल? प्रनिल, मैंने रीडिंग टेस्ट के बारे में जो बात बताई वो तुमको समझ में आई क्या? अरे जवाब तो दो प्रनिल। मैंने जो रीडिंग टेस्ट के बारे में बात बताई वो तुमको समझ में आई क्या? क्या बताई? अच्छा रिपीट करो, क्या बताया मैंने, बताओ मुझे, बताओ मैंने क्या बताया वो मुझे बताओ। कि हमारी तो राइट टेस्ट हो के हमारे मम्मी पापा के साथ रीडिंग होगी। अरे वो नहीं बोल रही हूँ मैं, रीडिंग टेस्ट के बारे में मैंने क्या बताया वो बताओ। क्या रीडिंग? तुम्हारा रीडिंग टेस्ट मैं कब लूंगी, कब लेने वाली हूँ मैं? देखो तुमने कुछ नहीं सुना है, तुम्हारा ध्यान पूरा टाइप करने, चैट बॉक्स में टाइप करने में था। मैं फिर बता रही हूँ, ध्यान से सुनो, मंडे को तुम्हारा रीडिंग टेस्ट होगा जो कि 2 पार्ट में है, एक बुक में से और एक बुक के बाहर से। बुक में से जो मैं रीडिंग लूंगी वो नटखट चूहा और बस के नीचे बाघ, ये 2 लेसन आएंगे। और बुक के बाहर जो होगा वो मैं स्टोरी बताऊंगी आपको, मैं स्टोरी शेयर करूंगी आपके साथ और वो आपको मुझे पढ़ के दिखाना होगा। अब समझ में आया प्रनिल? यस। सूर्य प्रताप आप हो क्या बेटा क्लास में? सूर्य प्रताप, आज सूर्य प्रताप के यहाँ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, मैं उसकी बात में सुन लूंगी। 2 बच्चे बचे हैं जिसमें सूर्य प्रताप है और राम शर्मा। राम शर्मा ने तो आज ज्वाइन ही नहीं किया है, राम शर्मा आज एब्सेंट है क्लास में। सूर्य प्रताप ने ज्वाइन किया पर वो बार बार लेफ्ट हो रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण, ठीक है बच्चों।
तो आपको समझ में आया। अच्छा आपको कुछ पूछना है क्या मुझसे? कुछ पूछना है? हाँ पूछ सकते हो। आदित्य कुछ नहीं है? नो मैम। हाँ योगाक्षी मैं वो वो मैं स्क्रीन पर शेयर करूंगी। हाँ तो मैम मुझे कुछ पूछना था। एक मिनट प्रद्योत, एक मिनट बेटा। हाँ योगांशी तुम क्या पूछ रही हो? पूछो बेटा। आवाज नहीं आ रही योगांशी। मैम कुछ नहीं। ठीक है ओके। हाँ प्रद्योत पूछो। मैम आज जो रेटिंग रीडिंग टेस्ट करवाओगी उसमें से कौन सा वो दे दो। आप जो रीडिंग टेस्ट कराओगे उसमें नटखट चूहा और वो बाघ का बच्चा होगी। बस के नीचे बाघ। बस के नीचे बाघ कुछ भी पढ़वा सकती हूँ मैं दोनों में से। ओके मैम। और ये भी सुन लो ध्यान से कि जरूरी नहीं है कि सबका रीडिंग टेस्ट एक ही दिन में कंप्लीट हो जाए। दो दिन भी लग सकते हैं है ना, क्योंकि दो दो चीजें पढ़ना है आपको। ठीक है अब मैं ये देखती हूँ कि एक ही दिन में दोनों चीजें पढ़वानी है या अलग अलग दोनों चीजें पढ़वानी है ये मैं देखती हूँ। ठीक है कैसे मैनेज होता है ये मैं देखूंगी। चलिए हो गया सबका। किसी को कुछ और पूछना तो नहीं है? पूछ लो अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। आपके मन में कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। मैं बैठी हूं यहाँ पे। मैम रीडिंग टेस्ट कब होगा? रीडिंग टेस्ट मंडे को होगा। बेटा आप स्पीकिंग तो दे दो। सूर्य प्रताप कविता तो सुना दो। यस मैम। कविता तो सुना दो। कौन सी याद की? मैम मेरे पास मैं गांव पे गया था मेरे पास बुक नहीं थी इसलिए मैं याद नहीं कर पाया। ठीक है तो आप घर कब पहुंचोगे? आप घर कब पहुंचोगे? मैं पहुंच गया। ठीक है तो आप मुझे मंडे को सुना दोगे? यस मैम। कौन सी सुनाओगे? टेसू राजा और बाघ का बच्चा दो हैं, दोनों में से एक सुना देना। ठीक है तो मंडे को मैं आपसे कविता भी सुन लूंगी yes, और आपसे रीडिंग भी करवा लूंगी। ठीक है सूर्य प्रताप ध्यान रखना बेटा। हाँ यस मैम। हाँ ठीक है ओके। तो अब हम क्लास खत्म कर रहे हैं आज। ठीक है ऑल ऑफ यू ज्वाइन योर हैंड्स क्लोज योर आईज फॉर शांति पाठ। शांति शांति शांति। तैयारी कर लेना बेटा। हाँ टेस्ट की तैयारी अच्छे से करना। ओके बाय मैम। हाँ बोलो मैम। आप बुक बाहर क्या कराओगी? क्या आप बुक से बाहर क्या कराओगी? मैं एक कहानी मैंने तैयार की है। एक कहानी है उसकी मैंने स्लाइड्स बनाई हैं। वो स्लाइड मैं शेयर करूंगी आपके स्क्रीन पर। तो आपको स्क्रीन पर देखकर मुझे पढ़कर दिखाना होगा वो। ठीक है गतिक समझ में आया? समझ में आया गतिक? यस ठीक है ओके है ना। ठीक है